चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज संडे स्पेशल होना चाहिए था, परंतु ऐसा लगता है कि नॉर्मल ही क्लास करें। बहुत सारा कुछ चल रहा है, इट्स ओके। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। ऑल्दो इस प्रकार का फेवर करना नहीं चाहिए, और फेवर करने वाली बात भी नहीं है, परंतु देखिए ये सही नहीं है कि आप बहुत दिन तक ज्वाइन ना करें फिर ज्वाइन करें। ये नहीं है, परंतु ठीक है। आज के लिए राशि माता जी प्लीज स्टार्ट करें। और देखिए चलिए चलिए प्रेयर्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञातमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी देखिए सबको ये इस बात को समझे। इनफैक्ट पहले कीर्तन करते हैं, उसके बाद माता जी आप भी अनम्यूट कीजिए। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए सिंग करने के लिए इनफैक्ट दो तीन बातें बस सोचा था आज पूछेंगे कोई ऐसा संडे स्पेशल जैसा पता नहीं कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं था और आप लोगों ने भी किसी ने टॉपिक दिया नहीं ठीक है और कोई टॉपिक दिखाई भी नहीं परंतु जो सबसे पहला टॉपिक था वो रितु माता जी ने चुरा लिया एक बात बताइए क्या आप लोगों को सच सच बोलिए ठीक है जो भी हमारी स्थिति है ठीक है उसके लिए ज्यादा खुश या दुखी होने वाली बात है क्या आप लोगों को मेरा इस प्रकार का चेहरा देख करके जहाँ पे बाल सुव्यवस्थित है शेप इस प्रकार का चेहरा देख करके कि मतलब जो चेहरे के प्रति अट्रैक्शन है वो अनुभव होता है क्या मतलब ठीक है कोई भी भाव में हो सकता है पुत्र है कोई भी जिस भी भाव में सोचो अट्रैक्शन होता है क्या थोड़ा भी अच्छा लगता है थोड़ा भी अच्छा लगता है यस नो इनडिफरेंट तीन आंसर है यस नो इनडिफरेंट अरे तो माता जी ने तो पहले बता दिया ओके यस नहीं नहीं देखिए आपको झूठा जो भी जो होना चाहिए वो सारी स्थिति नहीं तो सच है वो बता दीजिए यस नो इनडिफरेंट कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज आपको मेरा इस प्रकार का चेहरा देख करके जहाँ पे बाल व्यवस्थित है शेव्ड है इस प्रकार का देख करके आपको किसी प्रकार का भी अट्रैक्शन होता है क्या जैसे मित्र को भी मित्र का अट्रैक्शन होता है इट्स कॉमन चेहरे की सुंदरता होता है यस यस नो इनडिफरेंट इनडिफरेंट हरे कृष्णा ऐसे बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए बाकी लोग नहीं बोलेंगे बाकी लोग भी बता दीजिएगा देखिए टाइप ऑफ लुक्स आर अमेजिंग योर ऑल टाइप ऑफ लुक्स आर अमेजिंग ओके देखिए समझिए इस बात को मुझे ना तो इस इनफैक्ट मैं सच सच बोल रहा हूँ मैं क्लास में बैठे हुए झूठ नहीं बोलता गुरु माता को झूठ नहीं बोलता बाकी समय कभी कभी भौतिक कार्यकलाप होता है तो झूठ बोलता भौतिक कार्यकलाप तो छोड़ ओके
भौतिक लोगों को सच बोल करके लाभ नहीं। ठीक है, ओके, कमिंग बैक। मालूम नहीं गया, देखिए एक्चुअली में सोच के देखिए, बाल कैसे थे, कान पे आ रहे थे, पता नहीं लोगों ने नोट किया नहीं, बाल कान पे आ रहे थे। मैंने नोट इसलिए किया क्योंकि मेरे को स्क्रीन देखना होता है, स्क्रीन में दिखाई देता है। कान पे एकदम ऊंचा ऊंचा आने लग गया था, मेरे को ऐसा लगता था स्क्रीन पे गलत दिख रहा है, ये ठीक नहीं है। तो हुआ कैसा था, जब मैं हेयर कट करवा करके आया, थोड़ी देर हुआ होगा, मैं एक बार के लिए भूल भी गया था कि जब बड़े बाल थे तो कैसा था। सच बता रहा हूं, मैं भूल भी गया था बड़े बाल भी थे कैसा था उस समय। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर लोगों को फर्क पड़ता है, लोगों को फर्क पड़ता है, लोगों को ये आकृष्ट करता है, है? तो मुझे ऐसा लगता है, एक्चुअली मैं सच सच बता रहा हूँ, ये मतलब क्लास की बात तो नहीं है परंतु क्लास से ही रिलेटेड बात है। मुझे शारीरिक अवधारणा से क्या पहना हुआ है, कैसे बाल हैं, है? आंखें कैसी है, कान कैसा है, ये कैसा, इससे कोई मतलब, शारीरिक अवधारणा से क्या लेना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर भगवान ने अच्छा शरीर दिया है और उसकी सुंदरता से मैं तो नहीं परंतु बाकी लोग अट्रैक्ट होते हैं मेरे से, किसी प्रकार का अट्रैक्शन, परंतु अट्रैक्ट होते हैं, मेरा मन तो नहीं करता परंतु फिर मुझे उस प्रकार से रहना चाहिए, उस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर मेरे इस तरीके के बाल रखने से, इस तरीके के शेव करने से लोग अट्रैक्ट होते हैं तो बिल्कुल, देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम है सबको ये अट्रैक्ट हुई है फिर कृष्णा की बातें सुन दी, अट्रैक्ट होना है ना, आइए, मेरी आवाज भी बहुत अच्छी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी, मेरी आंखें बहुत अच्छी है, कान बहुत अच्छे हैं, है? हम डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, कुछ भी, अगर भगवान ने कुछ भी दिया है तो हमको उसका उपयोग कृष्णा की ही सेवा में तो लगाना है। इसमें यहाँ पे एक डर लगता है, डर ये होता है कि जब इस प्रकार से हम सजग रहते हैं कि हमारा चेहरा सुंदर दिखना चाहिए, पता नहीं कब फॉल्स ईगो आ जाए और हम अपने आप को सुंदर जानने लगे, मुझे नहीं जानना सुंदर, परंतु हाँ लोगों को अगर अच्छा लगता है तो मुझे इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। पहले भी बहुत टाइम से मैं बहुत अपने आप को, अगर मैं बुरा दिखता हूं ना, शेव कभी बहुत दिनों तक नहीं करते हैं, बाल कभी नहीं कटवाते, एक्चुअली में कारण बाल कटवाना नहीं होता, शेव करना नहीं होता, कारण होता है कि मुझे इसका आकर्षण ना हो, कहीं मैं सुंदर दिखने का प्रयास ना करने लग जाऊं अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता, परंतु आप लोगों की प्रसन्नता के लिए या किस जो भी अट्रैक्ट होता है उनकी प्रसन्नता के लिए मेरे को करना चाहिए। अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हैं तो मेरे को करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति भी थोड़ा ज्यादा सुन ले, हैं प्रभु जी बहुत सुंदर दिखते हैं, दिखने में तो बड़े सुंदर है, बैठ जाते हैं सुन लेते हैं। अगर ये शारीरिक अवधारणा के कारण कुछ कोई भी अगर जुड़ जाए तो मेरे को बिल्कुल शारीरिक अवधारणा उस तरीके से हम मेरे को सुंदर दिखना चाहिए। पहले भी
बहुत बार ऐसा करता था कि शेव नहीं करता था, अभी भी हृदय नहीं करता, परंतु जब यही स्थिति है तो मैं कोशिश करूंगा इसको बदलने की। मैं जब गया था ना शेव हेयर कट करवाने, तो एकदम छोटा छोटा करवाने गया, एकदम छोटा छोटा, मतलब इतना 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 बार। फिर लगा कि लोगों को बुरा लगेगा, लोगों को लगेगा कि प्रभु जी इतना नहीं। ठीक, हमारे पास जो भी है हमको कृष्णा के लिए सब कुछ लगा देना चाहिए, परंतु हमको अपने लिए नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा मुझे एक बार के लिए संशय लगता है, डाउट लगता है, कहीं मैं अपनी प्रसन्नता में ना डूबे। ये सेम बात ग्लोरिफिकेशन के टाइम भी लगता है, बट उस समय थोड़ा कम लगने लग गया, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस हो, आपके एक्सपीरियंस हो, किसी और के एक्सपीरियंस है, किसी को देखा, किसी से समझा, कुछ भी हुआ, मेरे लिए सब कुछ एक माध्यम है कि आपको कृष्णा के बारे में अवगत, मेरे लिए सब कुछ एक माध्यम, लक्ष्य मात्र कृष्ण, सब कुछ एक माध्यम। तो आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए माध्यम, मेरे जो भी एक्सपीरियंस है वो भी मेरे लिए माध्यम। तो जब एग्जांपल देते हैं, आज भी ग्रुप पे मैसेज आया था सूर्य सूर्य प्रकाश, उसके बाद जो तो जो एग्जाम्पल होता है उसका अर्थ ये नहीं है कि हम श्रील प्रभुपाद बन गए हैं, उनके जैसे हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो सूर्य प्रकाश, हमें तो कोई शुद्धता उस प्रकार से मैं अपने में नहीं देखता। लोग देखना चाहें देखें, मेरा कार्य बस एक, सच बोले और गुरु की वाणी का प्रचार। ठीक है, अब वहां पे गुरुजी बुरा लगता है जब आप हमारे कारण हर्ट होते हैं, या आपका हेल्थ ठीक नहीं रहता, आपके फेस पर भी मेरे को उसका भी परवाह नहीं होता। सच बता रहा हूं, मेरे को अपनी हेल्थ का भी परवाह नहीं होता। मुझे एक्चुअली में बस एक ही चीज हर्ट करती है कि लोग कृष्णा का प्रेम नहीं अनुभव कर, लोग श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रसार नहीं करते, और कुछ वैसे ही पेन कल फिर हुआ। जिनका लक्ष्य ही है श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रसार करना, प्रचार करना, मुझे नहीं यकीन होता ऐसा कैसे हो सकता कि वो कोई श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रचार करने वाले लोग को के विरुद्ध जाते हो, ऐसा असंभव सा लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। एक्चुअली मैं अगर मेरे साथ हो जाए कि मेरे गुरु की वाणी का कोई प्रचार कर रहा हो, बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हो, तो मैं उनसे जाकर के बात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, उनको बोलूंगा, मुझे उसमें बुरा क्यों लगेगा, मैं प्रसन्न होऊंगा, उनकी महिमा भी गाऊंगा। अगर कोई श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रचार अच्छे से कर रहा है, उसमें मेरे को बुरा क्यों लगना चाहिए,
परंतु कुछ लोग हैं उनको बुरा लगता है, उनको बुरा लगता है। ये मेरे दुख का कारण है। आप भक्ति नहीं करें ये मेरा दुख का कारण है। आप कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार कर दें ये मेरे दुख का कारण है। आप अपने लक्ष्य को अस्वीकार कर दें ये मेरे दुख का कारण है। ये मेरे दुख का कारण है। ये शारीरिक दुख में कुछ समझ में नहीं आता। हाँ कभी कभी दिखाई देता है। आप लोग देखिए ना, इनफैक्ट ऋचा माता जी यहाँ पे थी कुछ दिनों थी। आप लोगों ने देखा व्रत हो रहा था, व्रत चल रहा तो बहुत बार क्या हो रहा था कि मेरा गला भी चोक हो रहा था, गले में बहुत दर्द हो रहा था, टॉन्सिल भर गया था, अच्छा खासा भर गया। एकादशी के दिन भी टॉन्सिल था, बहुत ज्यादा भर गया। परंतु आप लोगों ने नोट किया जब क्लास हो रही थी तब तक कोई असर नहीं, और क्लास के बाद ऐसा हो जाता था कि मैं बोलता नहीं था, बोलता था तो एकदम अटक अटक के खांस रहा हूँ कुछ कर, क्लास तक कुछ नहीं होता। ये मैं नहीं करता परंतु हर बार होता। तो मुझे आनंद बस एक चीज में आता है कि कोई कृष्णा के बारे में बात करते है, बस कृष्णा का प्रेम सब स्वीकारते रहे, मुझे इसमें बहुत आनंद है। और इसके लिए भौतिक अवधारणा अगर होती भी है तो भी प्रकट तो नहीं होती, कुछ है भी कोई स्थिति है भी वो भी दिखती तो नहीं, मुझे खुद नहीं दिखती, आप लोगों को नहीं दिखती होगी। उसके अगले दिन भी था टॉन्सिल था परंतु कुछ बहुत ज्यादा कुछ दिखा नहीं, अब धीरे धीरे कम हो गया अभी भी। तो दुख का कारण ही शारीरिक दुख दुख होता है, परंतु मुझे दुख बस यही लगता है कि मैं इनजस्टिस ना करूं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो शुद्धता से प्रचार करने का प्रयास कर, मैं एक्सटर्नली देखता हूं बाहर बहुत कम लोग। सोच के देखिए आपने कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के शब्दों का इतनी बार बातें सुनी, आपने कब सुना है कि शिला प्रपात ने बोला हो कि एक संगठन के प्रति समर्पण होना चाहिए, एक संगठन के प्रति समर्पण कब सुना, एक संगठन की बातों को हमेशा स्वीकारना चाहिए। परंतु फॉलोअर्स बोलते हैं, गुरु ने नहीं बोला परंतु फॉलोअर्स बोलते हैं, फॉलोअर्स बोलते हैं। वहां पे जहां पे श्रीला प्रपाद की जय बोलनी चाहिए वहां पे कुछ और की जय बोलते हैं, करते हैं फॉलोअर्स करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है ऐसा कैसे हो सकता है। और प्रॉब्लम ये थोड़ी ना है कि उन लोग कर रहे हैं हमको, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रॉब्लम तो उससे है जो आज चैतन्य चैतन्य में पढ़ा, जो भगवद गीता जैसे जैसे श्रेष्ठ कार्य करते हैं, लीडर कार्य करते हैं, वैसे वैसे फॉलोअर उसका अनुसरण, प्रॉब्लम उससे। ठीक है, तो मेरे दर्द के बारे में मैंने बता दिया।
दूसरा एक और विषय था विपरीत परिस्थितियों में क्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट है विपरीत परिस्थितियों में क्या करें। सच बता रहा हूं, जब से मुझे ये बात, और कोई भी बात होती है ना वो बात प्रकट बाद में होती है, मुझे थोड़ी देर पहले ही अनुभव होने लग गया। इस बात का अनुभव थोड़े दिन पहले ही होने लग गया और कुछ कुछ अनुभव बहुत सालों से हो रहा, बहुत सालों से। तो ठीक है, विपरीत परिस्थिति विपरीत परिस्थिति कुछ नहीं होता, अपना टेस्ट होता है, आपका टेस्ट। अभी राशि माता जी रो रही थी, विपरीत परिस्थिति में हमारा टेस्ट होता है। प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो हमारा टेस्ट होता है, आपको क्या चाहिए। हमारा सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट यही होगा कि आपको गुरु की वाणी चाहिए कि कुछ और चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट यही है, कुछ भी और, लोगों की बड़ाई, पूरे दुनिया का सुख और गुरु की वाणी एक तरफ। श्रील प्रभुपाद पे जब वो वीडियो देख रहे थे वहां पे जब आता है श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने बस अपने गुरु की वाणी का फॉलो करने का प्रयास किया। इनफैक्ट वो डिक्टेट किया जाता है, वो बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा किया। बहुत टचिंग है वो चीज, हृदय को छूने वाली। हम बस अपने गुरु की वाणी को फॉलो करने का शुद्ध प्रयास कर सकते हैं और कुछ भी। अगर हम कोई भी तरीका कुछ भी और कार्य करें तो वो कार्य भौतिक होगा, कार्य भौतिक होगा। अगर आपको आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो हम बस गुरु की वाणी को फॉलो करने का, उसका पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हमने प्रयास शुद्ध किया तो सफल हो जाएगा। प्रयास शुद्ध किया तो सफल हो गया, बस इतना ही करना, जीवन इतना सा। तो विपरीत परिस्थिति में भी क्या करना है, विपरीत परिस्थिति में गुरु की वाणी का पालन करने का प्रयास करना। अच्छी परिस्थिति में गुरु की वाणी का पालन करने का और दृढ़ता से प्रयास, और विपरीत आ जाए और ज्यादा दृढ़ता से पालन करने का प्रयास कीजिए। चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे उससे कोई फर्क नहीं, आप जितना दृढ़ता से पालन कर सकते हैं उतना दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। हर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम कृष्णा से रिकनेक्ट करें, फिर से जुड़े। आप भी निरंतर प्रयास करते रहिए और डरिए मत, किसी भी स्थिति से डरिए मत, कुछ भी हो जाएगा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाने दी, पूरी दुनिया विरुद्ध हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अगर हरि गुरु वैष्णव कृपा कर दे, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी हम विजयी हो जाएंगे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद।
जब अमेरिका गए तो सोच के देखिए उनके पास साथ क्या था, ऑलमोस्ट कोई भी धन नहीं, थोड़ा बहुत कुछ पुस्तक, कुछ कुछ बिलोंगिंग्स, बस और कुछ नहीं था। परंतु एक चीज थी, गुरु की वाणी और गुरु की कृपा। जब गुरु कृपा करते हैं तो फिर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, होगा वही जो कृष्णा चाहते हैं, होगा वही जो गुरु चाहते हैं, वही तो हो जाने दीजिए। दुनिया पे विपरीत परिस्थिति में भी दृढ़ता से सफल होने का प्रयास किया, आज्ञा पालन। Yes. और किन्हीं को कोई भी कष्ट हो रहा भक्ति में, हरे कृष्ण। राशि माता जी, कोई कष्ट हो रहा है भक्ति करने में, कोई कष्ट हो रहा है आपका हैंड रेज। किसी और को कोई भी कष्ट हो रहा है भक्ति करने में, कोई भी कष्ट है, कोई भी रुकावट है, कोई भी कारण है कि आप भक्ति नहीं कर पा रहे, यस, किन्हीं के कोई भी कारण, आप किसी भी कारण से भक्ति नहीं कर पा रहे, किसी भी कारण से गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, तो कृपया बताइए। देखिए, जो भी कारण हम सोच करके रखें वो सारे कारण झूठे होंगे। आपको शायद समझ में आ जाए, शायद नहीं समझ में, कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ जाए तो भी बड़ी बात नहीं है, नहीं समझ में आए तो कोई कोई बड़ी बात है ही नहीं। इट्स वेरी नेचुरल। परंतु जो भी हम कारण बता रहे होंगे, हम इस कारण से भक्ति नहीं कर पा रहे, अगर ये नहीं होता ना तो हम भक्ति कर ले। जो भी ये कारण है वो झूठा कारण, वो झूठा कारण। कभी कभी क्या होता है, इतनी विपरीत परिस्थिति होती है, बहुत रेयर होता है, बहुत बहुत रेयर होता है, हम हर प्रयास करने के बाद भी भक्ति दृढ़ता से नहीं कर पाए। अगर कभी ऐसी स्थिति हो भी जाए तो इस स्थिति में भगवान से प्रेम और ज्यादा जागृत होता है, विरह का भाव। विरह के भाव में भगवान से प्रेम और ज्यादा दृढ़ होता है, परंतु वो विरह होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हमको तो ज्वाइन करने की इच्छा नहीं है, हमारे पास तो बहुत एक इंद्रतृप्ति का साधन पड़ा हुआ है, बहुत एक कार्यकलाप बहुत सारे हैं, हमको करने दी, ऐसे बहुत ही विपरीत पर पूरा प्रयास कर लिए फिर भी ये कुछ कार्य नहीं है। इस स्थिति में प्रेम और जागृत कम नहीं, ऐसी स्थिति में भगवान से प्रेम और जागृत हो, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं के पास कोई और कारण है जिसके कारण वो भक्ति नहीं कर पा रहे, दृढ़ता से आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई उसके कारण, जब वीडियो देख रहे, वीडियो देखे तो रोना आया, आया जो भी देखे कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद को कितना संघर्ष करना पड़ा, परंतु फिर से वही बातें दिमाग में कौंधने लग गई कि देखिए
गुरु के शब्द के विपरीत कार्य कैसे हो रहा है, वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज। इस बात को यकीन करना मेरे लिए आज भी डिफिकल्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है, हो रहा है ये बात सही, कैसे हो सकता है आज भी नहीं। बारंबार सुन करके, देख करके, समझ करके भी यकीन, वो थोड़ा सा चैलेंज होगा। कोई आपके भी जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी कि सिंक इन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, कुछ वैसे। ओके, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, भक्ति करने में कोई कष्ट आ रहा है? यस, राशि माता जी, हैंड रेज है आपका, लोअर कर दो। कोई कष्ट आ रहा है तो बता सकती है, मैं लोअर कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बता सकती है, बिल्कुल बता सकती। देखिए, मेरा बस रिक्वेस्ट एक ही है, आपको पर्सनली बताना है पर्सनली बताइए, पब्लिकली बताना है पब्लिकली बताइए, जैसे बताना है वैसे बताइए। अब अगर ऐसा हो जाए कि आप नहीं बता करके ही उन कष्टों से निकल सकते हैं, नहीं बताइए, परंतु उन कष्टों से निकल। देखिए, आज भी इससे ज्यादा कष्ट क्या होगा कि गुरु की वाणी को फॉलो नहीं कर रहे, उससे ज्यादा कष्ट क्या होगा? आध्यात्मिक रूप में इससे ज्यादा कष्ट नहीं होगा। ये कुछ वैसा है। ओके, ये कुछ वैसा है जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद बोल रहा और कोई हाथ रख दे, हम नहीं बोल देंगे, इससे ज्यादा दुख क्या होगा? गुरु और गुरु की वाणी में कोई फर्क नहीं, इससे ज्यादा दुख कोई नहीं। परंतु ऐसी स्थिति में भी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। वो चीजें जब आंखों के सामने आती है, बड़ा चैलेंजिंग है, किसी तरीके से समझा करके बुझा करके आगे बढ़ते हैं, परंतु वो चीजें जब फिर से वापस आ जाए, ऐसा लगे कि नहीं, लोग पालन नहीं कर रहे, बड़ा चैलेंजिंग है। मेरा कष्ट कुछ दिन के लिए इंक्रीज हो गया तो और कार्य करने लग जाइए, काम ज्यादा करिए, कष्ट ज्यादा हो गया तो ज्यादा काम कीजिए, कम कीजिए। देखिए, सबको ही भगवान के कार्य के लिए, सबको ही दृढ़ता से कार्य के लिए। हो सकता है आपको ये कार्य अच्छा नहीं लग रहा, या ये कार्य नहीं हो रहा, वो कार्य नहीं हो रहा, कुछ और कार्य, परंतु भगवान कृष्णा से जब आप मिले, तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि कृष्णा के प्रिय बने, हम कृष्णा के अधिक प्रिय बने। और इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली, कृष्णा के नाम का प्रचार हो, आप उसमें एक माध्यम बन जाइए, आप स्वयं कर लीजिए नाम प्रचार, आप किसी तरीके से कर लीजिए नाम प्रचार, भगवान के शब्दों का प्रचार हो तो भगवान के प्रिय बने, है ना? कृष्ण भगवद गीता में प्रॉमिस करते हैं,
हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। यस चलिए एक काम करते हैं, लोग कुछ बोल नहीं रहे, हम लोग एक काम करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रज्ञा माता जी ने चैट में लिखा है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ वो प्रज्ञा माता जी बोल रहे हैं कार्य ही नहीं करने। okay. भौतिकवादियों से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए एक बात जानिए, प्लीज समझिए, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, परंतु आप भौतिकवादियों की कितनी भी सेवा कर लें, कितने उम्र तक भी सेवा कर लें, वो कभी प्रसन्न नहीं, कैसे भी सेवा कर लें। अगर किन्हीं को ऐसा लगे ना नहीं नहीं अब तो प्रसन्न हो जाएंगे, आप एक काम कीजिए, खून का एक एक कतरा निकालिए, कल जाइएगा है ना, जैसे ब्लड डोनेट करता है ना तो ब्लड निकालता है, कल जाइएगा एक खून की शीशी निकलवा लीजिएगा और बोलिएगा हम इस खून से आपकी सेवा करेंगे, फिर दूसरा बॉटल निकलवा लीजिएगा उससे सेवा, आप कुछ भी कर लीजिए, भौतिकवादी लोग आपके कार्य से प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो देखिए करना क्या, आप अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए, बिल्कुल कीजिए, जो भी निर्धारित कर्तव्य वो कीजिए और लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए, निर्धारित कर्तव्य कीजिए और लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए, जो लक्ष्य है उस पर काम कीजिए। जैसे अगर सपोज कीजिए वापस से वही शारीरिक अवधारणा, सपोज कि मेरे को अपना चेहरा बहुत सुंदर लगता है, आह क्या सुंदर चेहरा है, क्या गाल दिए भगवान ने, आह कितना सुंदर गाल है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब जाएंगे नहाने, हम नहाएंगे साबुन लगाएंगे चकाचक चकाचक एकदम सुंदर, आह चमकाओ, बाहर निकलेंगे चेहरे पे तेल क्रीम एकदम अच्छे से, वाओ। एक बात बताइए हमने किया क्या, हमने अपना बहुत मूल्यवान समय अपने चेहरे की सुंदरता में लगा दिया ना, ऐसा नहीं है कि हमें अपवित्र रहना है, गंदा गंदा रही, नहीं नहीं हमें पवित्र ही जीवन रखना है, परंतु उसका अर्थ ये भी नहीं है पवित्र जीवन के नाम पे हम अपने शरीर को सुंदर लगाने में लगा लें। करना क्या है, करना ये है कि ये सारे कार्यकलाप को जल्दी से समेट लीजिए, जल्दी से जल्दी सारे कार्यकलाप को समेट लीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए और बाकी क्या कीजिए, कृष्णा का चिंतन कीजिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, शुद्ध भक्त की सेवा कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति और दृढ़ता से आगे बढ़िए, है ना, और दृढ़ता से आगे बढ़िए। परंतु इस बात को समझ लीजिए, भौतिकवादियों को हम प्रसन्न करेंगे हम कभी प्रसन्न नहीं करते, इस बीच में हमको अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करना है और आगे बढ़ना। आई होप ये क्लियर, आई होप, अपना निर्धारित कर्तव्य जो भी रहे अच्छे से कीजिए, परंतु उसके बाद समय निकालिए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमको भौतिक कार्यकलाप में ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, हमें समय चुरा लेना चाहिए और चुरा करके कृष्णा के लिए लगा देना चाहिए। जब भी हम समय को सब चीज को कृष्णा के लिए लगा दें हम शुद्ध हो जाए,
और जब हम कृष्ण के लिए नहीं लगाए तो हम अपवित्र हैं। शरीर हमको यही करता है। कुछ लोग सोचते होंगे शरीर शरीर इतना क्यों करता है, शरीर हमको यही कराता है। जैसे ही शारीरिक अवधारणाएं बनती है, जैसे ही शरीर रूप में हम अपने आप को देखते हैं, शरीर जानते हैं, तो होता कैसा है, हम इस शरीर की सुंदरता में हम इस शरीर को सुंदर बनाने समय लगा देते हैं। और जैसे ही शरीर को कहां चलते, कृष्णा के बारे में सोचने का समय कहां है, किसके पास है? शारीरिक अवधारणा रहेगी तो कृष्णा का चिंतन नहीं रहेगा, भौतिक अवधारणा रहेगी तो कृष्णा का चिंतन नहीं रहेगा। कृष्णा के बारे में सोचना है तो शरीर रूप से सोचना छोड़ दीजिए, भौतिक रूप से सोचना छोड़ दीजिए। आई नो ये बोलना आसान है, करना मुश्किल लगता होगा, परंतु करना भी आसान हो जाएगा। कब? जब आज्ञा पालन करने। देखिए जो गुरु होंगे हमेशा वो आध्यात्मिक बात करेंगे, कभी कभी हमको नहीं समझ में आएगा, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है, कभी कभी नहीं समझ, ठीक, कोई दिक्कत, परंतु होगी हमेशा आध्यात्मिक बात। तो होगा क्या, आज आप नहीं स्वीकारेंगे, कल आप नहीं स्वीकारेंगे, परसों आप नहीं स्वीकारेंगे, धीरे धीरे आप स्वीकार करेंगे। अच्छा ठीक, यहीं पे एक वो बात जो ट्रस्ट की बात आज हुई वो आप लोगों के सामने रखो, आप लोग अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं उसके लिए, आप लोग चाहे तो, आप लोग खुद ही बता दीजिए ऐसा करना ठीक है, अभी से ही सबको स्टार्ट करना, ट्रस्ट बनेगा और जब होगा तो होगा, तब बाद में कर लीजिए, ट्रस्ट में कर लीजिए, ट्रस्ट के अकाउंट में कर लीजिए। देखिए हम लोगों को ये सजग रूप से कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि हम किसके प्रति समर्पित हैं, किनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, ये पता होना चाहिए। जब ये पता चल जाए तो हम उनकी आज्ञा अनुसार चल रहे। अब देखिए माया देवी का प्रकोप कैसा है, माया देवी आज तो हो सकता है आप बोल ले क्या कि हम आपको गुरु रूप में स्वीकारते हैं, हम आपको गुरु जानते हैं, आप ही हमारे गुरु, आप अगर मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा आप ही हमारे गुरु। आज तो हम इस प्रकार से हो सकता बोल दे, कल भी बोल दे, एक महीने बाद भी बोल दे, छह महीने बाद भी बोल दे, परंतु क्या होता है धीरे धीरे समय काल इस प्रकार से होता है, कुछ ना कुछ कार्यकलाप आते हैं और कार्यकलाप आते आते फिर सोचते हैं थोड़े दिन नहीं करते हैं, थोड़े दिन ये थोड़े दिन वो, और फिर क्या होता है धीरे 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 करके मुझे बहुत सारे डिवोटीज आंखों के सामने दिखाई दे रहे। देखिए डिवोटीज का मैंने चेहरा तो बहुत कम लोगों का देखा, चेहरा बहुत कम लोगों का देखा, परंतु नाम, वो सारे नाम आंखों के सामने आ रहे। जो पहले तो बहुत समर्पित बिना किसी बात के बिना किसी कारण के अचानक से समर्पण खत्म और चले, ये बड़ा डिविएशन है। आज तो आप सब कुछ हैं, कल आप
इसको रोकने के लिए एक एक आइडिया है कि सब कोई देखिए क्या क्या हो सकता है, धन, श्रम, यश, बुद्धि, इसका दान दे। अब बाकी कोई दान दीजिएगा ना, यश का दान दीजिएगा, मतलब अपना जो यश कमाया हुआ है वो भगवान के लिए लगा दीजिएगा, गुरु के लिए लगा दीजिएगा, बहुत अच्छी बात। बुद्धि, बल, ये सब का उपयोग कीजिएगा तो कुछ दिनों तक उसका उपयोग कर पाइए। परंतु करना क्या है, कीजिए ये अमाउंट चाहे जो भी, परंतु रेगुलरली को भी डिफाइन कर दें। रेगुलरली का अर्थ है जो क्लासेस डेली ज्वाइन कर रहे हैं या क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए हर एकादशी तक एक बार कोई भी अमाउंट का दान करें। अमाउंट कोई मैटर नहीं करता, हर एकादशी तक एक अमाउंट का दान, अगला एकादशी या फिर एक अमाउंट का दान, मुझे अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मीटिंग में साफ साफ बोला था 1 रुपए भी दान कीजिएगा तो भी, जिसके पास अधिक अधिक करे, करना चाहिए, अधिक करना चाहिए। शास्त्र के मुताबिक हमें 50% धन तक का दान करना है, परंतु सब कोई रेगुलर रहने के लिए कम से कम धन का दान। जहां पे धन जाता है ना वहां पे हम भूल नहीं पाते। हम किसी को 1 रुपए भी देते हैं ना, भूल नहीं पाते। किसी का 1 रुपए भी बाकी रहता है तो भी आप भूल नहीं पाते हो, अच्छा उसको 1 रुपए देना रह गया। एक्चुअली में किसी का उधार लेना नहीं चाहिए, ये तो आप भक्ति कर रहे हैं। अगर भक्ति ना कर रहे किसी का उधार ले लेंगे ना तो मालूम है क्या होता है, अगले जन्म में फिर से आना पड़ेगा इसको लौटाने। बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी दान दे, मिनिमम जो बेस, कम से कम जितना कम रख ले, ज्यादा रखना परंतु रेगुलरली दान। कोई को एक बार में 1 करोड़ का दान कर दे परंतु उसके बाद हर बार एकदम एब्सेंट करे, वो नहीं चाहिए मेरे को, वैसा दान नहीं चाहिए। वैसा दान कोई बाहर के लोग दे रहे हो तो दे, परंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेगुलरली दान। ये किया जा सकता, सब कोई कर सकता, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा सरल सा है। क्योंकि फिर याद रहेगा तो भूल नहीं पाए। बहुत लोगों को है ना अपने धन पे अहंकार, आपका धन आपको सफल नहीं बनाएगा, आपका ज्ञान, आपका बल, आपका यश आपको सफल नहीं बनाएगा, आपकी सुंदरता आपको सफल नहीं बनाएगी। कृष्णा मात्र एक चीज से प्रसन्न होते, मात्र एक चीज, आज हम लोगों ने चैतन्य चैतन्य में वही चीज समर्पित हृदय से सरेंडर्ड सोल, जो आत्मा है समर्पित है, बस उन्हीं से कृष्णा प्रसन्न होते हैं। कृष्णा बोलते भी है, बताते भी कि मैं गोपियों के प्रेम का उरिन नहीं कर पाऊंगा,
गोपियों ने अपने प्रेम से कृष्ण को खरीद, कृष्ण उदन नहीं, तो कभी भी कृष्ण प्रेम से प्रसन्न देखिए इनफैक्ट ये श्लोक को पढ़िए, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, कोई हैं नहीं और कोई अश्लील शर्मा जी, ज़ूम करें थोड़ा सा। हरे कृष्ण गुरु जी, प्लीज हरे कृष्ण गुरु जी, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य, समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होते रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोक उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छंदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उसे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है, जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांडों को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं पता नहीं कुछ हुआ और मुझे पता चला कि ये श्लोक पढ़ लीजिए, पढ़ लिए। देखिए क्या है, ये जगत ये दुखों का सागर है। ये क्या लिखा हुआ है, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग सभी दुखों के घर है। इस जगत में सभी लोग कैसे हैं, दुख के घर। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। आप अपने सौभाग्य के की स्थिति को देखिए, कितनी असंभव सी बात है। यहां पे सारे लोग कैसे हैं, दुख के लोग, और इन दुख के लोक में रहते हुए भी 1000 में से 999 भक्ति करने का प्रयास नहीं। उस स्थिति में भी सब दुख के लोक में बैठे हुए हैं, 999 लोग भक्ति नहीं करते हैं। उस स्थिति में भी हम पे कृष्णा इतना कृपा कर रहे हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति प्रपाद इतना कृपा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रपाद कृष्णा के उस धाम के बारे में बता रहे हैं, कौन सा धाम, जहां फिर से जन्म नहीं होता, जहां जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती, जहां कष्टों से मुक्ति मिलती, जहां दिव्य आनंद में हमेशा ही स्थित रहते। सोच के देखिए कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, परंतु मेरा बस एक निवेदन,
जब इतनी कृपा हो रही है आप स्वीकार कर लीजिए, बस इतना आप स्वीकार कर लीजिए। अब आप विकल्प मत चुनिए, आई एम रियली सॉरी, मेरे को थ्रू आउट पूरे सेशन हो रहा था, मेरे को चक्कर आते जा रहा था, चक्कर आते जा रहा था मेरे को, ये जो सिचुएशन बना यहाँ पे, बस मेरे को अपना नहीं पड़ा, अपना नहीं पड़ा, मेरे को बस ये बात लगे जा रही है, कौंधे जा रही है, इको एश लप्रपात के शब्दों के विरुद्ध कैसे ऐसे कार्य, मुझे ये बात यकीन नहीं। ठीक है, आजकल देखते हैं लोग बहुत डिबेट करते, परंतु ऐसा हो पाना बड़ा हृदय विदार हृदय। चल इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं क्लास के बाद मैं एक दो डिवोटी को बताऊं, एक दो डिवोटी पर, ठीक है जो भी। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, जिनके लिए वो वैष्णव प्रणाम मंत्र करना फिर करते हैं, जिनकी को कोई जिज्ञासा पूछनी हो वो भी अपना क्वेश्चन रेडी रखिए। दीपा माता जी आज हिमांशी माता जी को प्रे करने, हिमांशी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण किन्हीं की कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है कुछ भी पूछना है? नहीं कुछ नहीं पूछना, नहीं नहीं अगर जिज्ञासा है तो प्लीज पूछ लीजिए, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। मैं समझ सोचेगा कि प्रभु जी आपको दिक्कत हो रहा है तो नहीं पूछ लीजिए, कोई दिक्कत। हरे कृष्ण नहीं, ओके। ऋचा माता जी आप कीर्तन शेयर कीजिएगा, मैं करूं जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो प्लीज पूछ लीजिए, मुझे किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासाएं से कोई भी दिक्कत, बस मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट होता है बारंबार एक ही, द्वेष मत कीजिए, नहीं कोई जिज्ञासा नहीं है।
चलिए तो मैं कीर्तन शेयर करता हूँ। माता जी जब भी आप कर सकेंगे शिफ्ट कर दें।